हेलो दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कि माहौल खुल गया है और अब प्याज के रोपाई की तैयारी हो गई है और हमें खेत भी डबल नहीं बांधना पड़ेगा क्योंकि पानी कोई खास नहीं गिरा है आज और पानी का माहौल पूरा खुल गया है। और ये हमारा जमूरा, हम प्याज का जो रोप होता है, जो बोल सकते हैं कि चोपने के लिए कंद होता है प्याज का, वो ला रहे हैं। और यहाँ से ये यहाँ पर हमने प्याज का रोप तैयार कर रखा था, तो यहाँ से हम प्याज का कंद ले जाके मजदूरों को देंगे। मजदूर बस अब रास्ते में आ रहे हैं कि माहौल खुल गया है तो हम आए या नहीं आए, उन्होंने कॉल करके पूछा तो हमने बताया कि आ जाओ, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से पैसे मैनेज कर लेंगे, यूँ भी आधा घंटा एक घंटे का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और देखिए प्याज का रोप यहाँ पड़ा है और हमारे जमूना वहाँ खड़ा है। हद है यार, ए आजा आजा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये प्याज का कंद ऐसा होता है, ये ऐसा कंद होता है और ये जड़े, अगर प्याज की एक भी जड़ अगर जमीन में लग जाए तो ये चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और इसकी नर्सरी ऐसे तैयार होती है, नर्सरी तैयार करने के बाद फिर खेत में प्लांटेशन किया जाता है इसका। और अभी मजदूर आने में थोड़ा टाइम था तो हमने सोचा कि क्यों ना ये ले जाके उनके पास में रख दे, तो उनको क्या है कि आसानी रहेगी ले जाने में। और ये जमूरा, इसको मतलब मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसी ऐसी हरकतें हैं इनकी, और बस इसको भागना है, मार खानी है और मोबाइल चलाना है। इसके पास तीन ही काम है और दूसरे कोई काम नहीं है। जो काम बताओ भूल जाता है, कोई भी सामान कहीं पे भी रख के भूल जाता है, कुछ याद नहीं रखता है। तो फ्रेंड्स मैं आगे की अपडेट भी आपको देता रहूँगा, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्या करें? लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार। और धूप निकल गई है खतरनाक तरीके से, तो आंखें खुल नहीं पा रही है फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, कर देना।